हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको जो इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन है उसमें हम कैसे नीडल को लगाएंगे खोलेंगे वो आपको बताऊंगा। पहले क्या करना है, जब मशीन का जो नीडल चेंज करने के टाइम है पहले क्या करना है, उसके बाद सबसे पहले आपको चेक करना है मशीन ऑन है या ऑफ है। उसके बाद देखिए कि वो मशीन ऑन है कि ऑफ है। अगर मशीन ऑफ है तो ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो हमारा फुट पेडल है उसमें जो पैर रखा रहता है उसको हटा दो। उसके बाद ये हमारा जो स्क्रू ड्राइवर होते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, इसको क्या करना है, ऐसे जो इसका जो नीडल पैच है यहाँ पर लगा है, ये देखिए, ये इसको बाईं तरफ घुमाना है इस टाइप का। जब आप नीडल पैच खोलेंगे तो ये उंगली यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पर रखिए, क्योंकि अगर बाई चांस ये स्लिप हो जाता है तो हाथ में लग सकता है। इसको ऐसे थोड़ा सा घुमाने के बाद नीडल को आराम से नीचे कर दीजिए, ये निकल जाएगा। तो ये नीडल खराब है, इसको बाद इसको अब रख दीजिए। दूसरा नीडल जो सिंगल नीडल लॉक स्टिच में हमेशा ये वाला नीडल लगता है, DB क्रॉस 1, DB क्रॉस 1 इसका नीडल लाइए। हमेशा नीडल में देखिएगा, उसमें एक साइड में आपको हल्का सा एक गड्ढा मिलेगा, हल्का सा, जो जिस टाइप में कटा हुआ होता है ये गड्ढा बोलते हैं, इस टाइप का जो होता है ये हमेशा नीडल का साइड में रहता है। नीडल साइड प्लेट जिस साइड में है उसी साइड में ये साइड रहेगा, और जो ये ऊपर सा ये प्लेन सा है ये दाईं तरफ रहेगा। हम हमेशा नीडल को ऐसे लो, उसके बाद आराम से ऐसे रख के ऊपर पुश करो। पुश करने के बाद उसको हल्का से ऐसे टाइट करो। टाइट करने के बाद ये हाथ यहाँ से हटा के इसको पूरा टाइट कर लो। ये आपका हो गया नीडल चेंज।